नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सीके न्यूज चौगामा की आवाज। महिला खिलाड़ियों ने कुश्ती में किया मुजफ्फरनगर जिले का नाम रोशन। नेशनल ग्रेबलिंग रेसलिंग चैंपियनशिप 2023 क्रेडिट जूनियर सीनियर एंड वेटेंस महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक हरियाणा में दिनांक 29 सितंबर 2023 से 2 अक्टूबर 2023 तक चैंपियनशिप चली, जिसमें उत्तर प्रदेश की तरफ से 28 खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया था, जिनमें 108 लड़कियां और 20 लड़के थे। वहीं सभी खिलाड़ियों ने अपने कंपटीशन में अच्छा प्रदर्शन कर उत्तर प्रदेश का नाम राष्ट्रीय स्तर पर रोशन भी किया। मेरा नाम आरोही चौधरी है, मैं गांव पचंडा कला से जिससे कुछ स्टेडियम से हूँ। मुझे ब्रॉन्ज मेडल मिला है ग्रैप रेसलिंग में, ये रोहतक में हुई है, MDUV यूनिवर्सिटी हरियाणा। लगभग 4 साल हो गए कंटिन्यू प्रैक्टिस करते हुए। जो मेरे गुरुजी है, ये खुद एक बहुत अच्छे पहलवान है, इनसे प्रेरणा मिली, आगे चल के एशिया के लिए मेडल लेके आना है। ये रोहतक में ग्रैपलिंग का नेशनल हो रहा था, 29 तारीख से 2 अक्टूबर तक हुआ। इसमें 28 बच्चे हमारे यूपी के खेल रहे थे, 24 बच्चों का मेडल आया, तो यूपी को तीसरा स्थान मेडल शिरोमणि में मिला। और हमारे देश का भविष्य उज्ज्वल हो रहा है, खिलाड़ी आगे बढ़ रहे हैं, और जब खिलाड़ी अच्छे हो गए तो नौकरी मिलेगी। अभी 2% कोटा भर्ती किया था योगी जी ने, अभी उसमें 2 बच्चे हमारे स्टेडियम से भर्ती हुए हैं कुश्ती में, और कुछ बच्चे वॉलीबॉल में भर्ती हुए हैं। तो खेल की अगर बात करें तो खेल पढ़ाई से पहले आया है। जब बच्चे का बचपन होता है तो वो 5-10 साल तक खिलौने से खेलता है, पढ़ाई उसके बाद आई है। हमारे आने वाले जो नस्ल है, बच्चे हैं, उन्हें जो माताएं हैं वे बचपन में ही मोबाइल दे देती है, तो उनकी खेल की एक्टिविटी नहीं हो पा रही, तो शरीर से वे कमज़ोर बच्चे पैदा हो रहे हैं। तो हमें सबसे पहले खेल की तरफ जाना है, उसके बाद हमें पढ़ाई की तरफ जाना है। तो ये मैं एक माताओं को आदेश करूँगा कि अपने बच्चों को बड़े मोबाइल से बचाए, क्योंकि बच्चों के जो पापा होते हैं वे तो या तो खेत में चले जाते हैं या नौकरी पर चले जाते हैं। माताओं को दूध गर्म करना होता है, रोटी बनानी होती है, झाड़ू मारनी होती है, तो माताएं जो है इस बहाने से कि बच्चा खेल लेगा तो मोबाइल बच्चे के हाथ में दे देती है, तो ये बहुत गलत संदेश है। मेरा नाम नरेंद्र पंवार, NIS कोच मुजफ्फरनगर। ये महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक में हुई थी हरियाणा में, और ये 29 तारीख से और 2 अक्टूबर तक हुई। इसमें जो है जूनियर क्रेडिट सीनियर और वेटन सभी खिलाड़ियों ने, लगभग देश के 1500 खिलाड़ियों ने भाग लिया, और इसमें जो है उत्तर प्रदेश की तरफ से 28 खिलाड़ियों का सिलेक्शन हुआ, जिसमें 28 ने मेहनत करके 24 मेडल यूपी को दिए। उसके बाद यूपी जो है तीसरे स्थान पर रहा, और ये शील्ड भी हमको शील्ड प्राप्त हुई। हमारे 4 बच्चे हैं, ये इन लड़कियों का जो है 2 ब्रॉन्ज मेडल है, मेरा खुद 40 किलो उसमें 70 केजी में जो है गोल्ड मेडल है। इसके बाद हमारे खिलाड़ी अफजा जो है दिसंबर में होने वाली वर्ल्ड चैंपियनशिप में रशिया में जो है प्रतिभाग करेंगे। हमने जो है उत्तर प्रदेश जनपद मुजफ्फरनगर में जो है श्री युधिष्ठिर चौधरी जो प्रचंडा है व्यायामशाला में प्रशिक्षण प्राप्त किया। कोच साहब ने जो है हमको अच्छा प्रशिक्षण दिया, जिससे जो है आज हमारा मेडल आया। हम जो है चाहते हैं, जैसे हम प्रतिभाग आगे करते रहना चाहते हैं, अब की बार उत्तर प्रदेश और बत्ती बढ़े। वहाँ पर जो है ग्रैपलिंग रेसलिंग फेडरेशन के चेयरमैन श्री दिनेश कपूर जी, सेक्रेटरी श्री बिरजू शर्मा जी, इन्होंने सब ने जो है उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों की अच्छी हौसला अफजाई करी और उनके मेडल पढ़ाकर प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया।